आई थिंक आप थे पिछली मतलब प्रीलॉन्च में आप थे आई थिंक. ओके देखिए ऐसा है डिजिटल एसेट जो है जस्ट लाइक वॉलेट. तो आपने मुझे बोलना चाहिए ना. आपने पूछा आप तो आप पूछिए मुझे मैं बताऊंगा. आप पूछिए. देखिए आज का जो सेशन है आपको पता है हम क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. रिगार्डिंग क्रिप्टो आज हमने टोस्का टेक्नोलॉजीज की तरफ से टोस्का एकेडमी जो क्रिप्टो रिलेटेड है आज इंडिया में जो 135 करोड़ लोग हैं उस 135 करोड़ लोगों में से 65% लोग हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं और ये ऑलरेडी डिजिटल एसेट में काम करते हैं लेकिन क्रिप्टो एसेट में काम नहीं करते हैं. उसी के लिए हमने एकेडमी खोली है टोस्का क्रिप्टो एकेडमी. उसके तहत हम बहुत सारी डिटेल्स में जानकारी हम लोगों की तरफ लोगों के पास पहुंचाना चाह रहे हैं. सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने नहीं रखी है. जैसे आप जैसे पत्रकार लोग हैं सभी लोगों ने मुझे बोला कि अगर मान लीजिएगा क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी जो है इसमें अगर डिफाइन करना हो या फिर आपकी टोस्का एकेडमी जो है वो क्या करना चाहती है. इस एक्साइटमेंट में सभी लोग आज अगर कॉल करके आए हुए हैं तो मुझे मेरा हक बनता है कि आपको उसकी डिटेलिंग मैं दूँ. राइट. यस. देखिए मैम ने जो पूछा उस सवाल से हम स्टार्ट करते हैं. डिजिटल एसेट और क्रिप्टो एसेट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी का नाम जो है ना बहुत सारे मीडिया में आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी करेंसी. ये करेंसी नहीं है. करेंसी हर देश की अपनी अपनी आरबीआई जैसे हमारे पास आरबीआई बैंक है वैसे आरबीआई जैसे जितने भी हर कंट्री में अथोराइज रिजर्व बैंक होते हैं उनका काम है करेंसी लॉन्च करना. बट क्रिप्टो करेंसी हमें इंडिया में ना बोलते हुए उसे डिजिटल एसेट बोलना चाहिए. अब रही बात डिजिटल एसेट क्रिप्टो एसेट इसमें डिफाइन जैसे मैम ने पूछा आज डिजिटल एसेट का मतलब है वॉलेट. हम पेटीएम यूज़ करते हैं गूगल पे फ़ोन पे ये वॉलेट है. ये डिजिटल वॉलेट है. सेम थिंग अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो एसेट की तो क्रिप्टो एसेट जो है सेम आज अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो एसेट की तो वहाँ पे एक एक्सचेंज ने अथोराइज किया हुआ है और हम बात करते हैं डिजिटल एसेट की तो डिजिटल एसेट जो है आरबीआई ने पीपीआई लाइसेंस के अंतर्गत उन्हें लाइसेंस दिया हुआ है. पीपीआई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इसे कहते हैं डिजिटल करेंसी. पहले नोट था बाटर था बहुत सारे ऑप्शंस थे. डिजिटल करेंसी आई आज हम कोई भी जेब में पैसे नहीं रखते हैं गूगल पे करते हैं दिस कॉल टू डिजिटल करेंसी. सेम थिंग डिजिटल करेंसी अगर है तो डिजिटल करेंसी जो है ये हिंदुस्तान के मतलब हद तक है डोमेस्टिक पेमेंट मोड के हिसाब से. लेकिन हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की तो क्रिप्टो करेंसी सॉरी क्रिप्टो एसेट की बात करते हैं डिजिटल एसेट की बात करते हैं तो ये इंटरनेशनल पेमेंट मोड है जो वर्ल्ड वाइड आप कहाँ से भी कहीं से भी किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो और इसे ऑब्जर्व या फिर इसकी जो ऑथेंटिकेशन एक जैसे आरबीआई का मैंने नाम लिया वैसी एक्सचेंज है बहुत सारी एक्सचेंज. हम बात कर रहे हैं 30 से 40 कंट्री में यहाँ पे आज आपने देखा होगा तो इसे लीगलाइज करार दिया हुआ है और आज हमारी जो गवर्नमेंट है इसे डिजिटल क्रिप्टो एसेट के तहत पे लीगल भी कर चुकी है. बताइए मैम. जी ऑब्वियसली बिकॉज डिजिटल का डिजिटल वर्ल्ड में ही ये ऑनलाइन है. डिजिटल यानी ये है कि आज हम बात करते हैं डिजिटल की तो ये हमारा आज का जो दिन सफ़र या फिर हमारा जो कल्चर है ये डिजिटलाइजेशन के तरफ जा रहा है और डिजिटलाइजेशन में आज हम अगर बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की क्रिप्टो एसेट की डिजिटल करेंसी की तो आज हर कोई आप और हम ऑनलाइन एक दूसरे से बात कर रहे हैं. यही अगर ऑनलाइन 20 साल पहले अगर हमें बोला जाता तो शायद नहीं कर पाते. इसलिए आज सब जो भी चीज़ें हैं वर्ल्ड वाइड अगर हम एक दूसरे को कनेक्ट होना चाहिए तो डिजिटल और ऑनलाइन ही होना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन.
देखिए 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 मैं सवाल समझ गया। देखिए ये यही एकमात्र कारण है आज हमें आपको बुलाकर, हम आपको इनवाइट कर आज अगर हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं रूबरू, इसका रीज़न ये है लैकिंग ऑफ नॉलेज। क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एसेट जो है ये क्या है एक्चुअली, इसमें क्या है। हमने आज टोस का क्रिप्टो एकेडमी खोली जो है, या उस आज संस्था को हमने स्टार्ट किया है, इसका वजूद ही है, इसका विजन ही ये है कि हम इंडिया में जो भी लोग हैं इन्हें अवगत करें व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, राइट, एज अ एजुकेट एजुकेशन पर्पज के हिसाब से। अच्छा, आपके घर में छुरी है, आप छुरी किसके लिए लाए हैं, फ्रूट्स काटने के लिए। तो सेम थिंग, अगर छुरी फ्रूट्स काटने के लिए है उसका यूज मिसयूज भी हो सकता है। सेम थिंग, हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। हमें समझना है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार, हमारा देश, हमारा यंग यूथ, जैसे आप भी यंग दिख रहे हो, तो आपको समझना चाहिए कि अगर हमें डिजिटलाइजेशन में जाना है इसका सही उपयोग क्या हो सकता है, अच्छा उपयोग क्या हो सकता है। नो डाउट हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, लेकिन डिजिटलाइजेशन में, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो एसेट, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की लैकिंग है, वो है नॉलेज। उसी का आज हमारा मकसद है। बहुत बढ़िया। देखिए क्या है, जिन लोगों ने एजुकेशन लिया, जिन लोगों को क्रिप्टो एसेट पता है, वो खरीदी बिक्री करते हैं, लेना देना करते हैं। अगर मान लो, अगर खरीदी बिक्री में अगर जो भी मुनाफा होता है, फ़ायदा होता है, फॉर एग्जांपल आपने 1,00,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये आपने कहीं किसी क्रिप्टो करेंसी में या कॉइन में, बिटकॉइन में, आपने देखा होगा बहुत सारी करेंसीज है, बिटकॉइन है, रिपल है, इथेरियम है, जैसे आज टोस्का है, बहुत सारी कॉइन्स है, लेकिन आप उसमें अगर इन्वेस्ट करते हो, उसमें जो भी मुनाफा होता है उस मुनाफे का 30% आपको टैक्स देना अनिवार्य है। ये हमारी गवर्नमेंट ने आज साबित ये किया हुआ है, उसे लीगलाइज किया हुआ है एज ए टैक्सेशन पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन। और उसी के साथ जैसे हम एक दूसरे के बीच में ट्रांजेक्शन करते हैं, उसे 1% TDS देना पड़ता है। TDS मतलब हम एक दूसरे की जो करेंसी है वो हम दे सकते हैं। देखिए आज हम पिछले, आपने देखा कोविड में 2 साल में हमारे बच्चे, आपको मैं सबसे बड़ा एक एग्जांपल देना चाहूँगा, पिछले 10 साल से 15 साल से मोबाइल आया हुआ है, मोबाइल अच्छा है कि नहीं है, फिर भी मोबाइल हम हमारे बच्चों के हाथ में नहीं देते हैं, बिकॉज उसका मिसयूज़ हो रहा है, बच्चे एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। उसी तरीके से अगर आज की डेट में अगर देखते हैं पिछले 2 साल में, तो बच्चे के हाथ में मोबाइल हम दे रहे हैं कि एजुकेट, जूम मीटिंग कर ले बेटा, गूगल मीट कर ले, क्यों, तो एजुकेशन जो है वो आ गया अभी मोबाइल पे। इसी तरीके से आज अगर हम बात करते हैं एकेडमी की, तो एकेडमी जो है आप घर बैठे मोबाइल पे अपने जूम लिंक पे व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज डिजिटलाइजेशन, व्हाट इज डिसेंट्रलाइज सिस्टम, व्हाट इज ब्लॉकचेन, ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडर क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग ये आप आपके घर बैठे कर सकते हो। सेकंड थिंग, आज अगर मान लीजिएगा कोई क्रिप्टो एसेट में कोई अगर आपको बोलता है कि यहाँ पे पैसे लगाइए और ये दुगना तिगना होगा, ये साफ झूठ है। आज शेयर मार्केट है, वहाँ पे NSE है, BSE है, NSE BSE में जो नॉलेजेबल लोग रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, वही लोग वहाँ पे हैं, फर्स्ट। सेकंड, अगर कोई अनपढ़ आदमी वहाँ जाता है पैसे लगाता तो नो डाउट डूब जाता है। हम वही चाहते हैं, क्रिप्टो एकेडमी जो टोस्का की है, हम नॉलेज देना चाह रहे हैं, एजुकेट करना चाह रहे हैं, और आपके सेविंग का, देखिए हम हिंदुस्तानी लोग 135 करोड़ लोग, आज भी 5% लोग देश को चला रहे हैं, 95% लोग मजदूर के जैसा काम ही करते जा रहे हैं, जिसको 1,00,000 रुपये मिल रहा है एज अ सैलरी इनकम, उसकी ज़रूरतें 2,00,000 रुपये की है, लेकिन डिजिटलाइजेशन की वजह से ये 2,00,000 रुपये कमाना आसान है। उसका रीज़न,
आप अगर 1 लाख रुपये आपके पास सेविंग है तो मैं मेरा पर्सनली एज ए नटराज सूर्यवंशी एज ए डॉक्टर क्रिप्टो एक्सपर्ट मैं ये कहना चाहूँगा पूरे पब्लिक को कि आपके सेविंग का 1 से 2% सिर्फ क्रिप्टो एसेट में लगाकर आप ट्रेनिंग कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए, सीखिए, समझिए। ये रातों रात पैसे बनाने का कोई सिस्टम नहीं है, इसके पीछे भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। ठीक, आगे मुझे और एक बार बताएंगे। राइट, देखिए अभी जैसे मैंने बताया ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ब्लॉकचेन क्या है? आप सभी लोगों के पास, हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में हम गूगल पे यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं पेमेंट मोड के। हैक होता है कि नहीं होता है? पैसे जाते हैं अपने अकाउंट में। ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज़ है जिसे आज बैंक ने एक्सेप्ट किया हुआ है, वो हैक नहीं होता है। एक सिंगल ट्रांजेक्शन में उसके बहुत सारे आईपी एड्रेस जनरेट होते हैं, मल्टीपल ऑफ। जब जापान, अमेरिका, चाइना ने एक्सेप्ट किया है कि डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन ये सिक्योर्ड सिस्टम है, तो नो डाउट हमें भी मानना पड़ेगा और जो प्रूवन है उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। यस, बहुत बढ़िया। देखिए ऐसा है, आज www.toskaacademy.com आने वाले 1 मार्च से ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं है। और फ्री में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम आपको एक जूम का लिंक वहाँ पे हमारे बैकएंड टीम आपको प्रोवाइड करेगी। वहाँ पे आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिजिटल एसेट क्या है, डिजिटल क्रिप्टो एसेट क्या है, उसमें ब्लॉकचेन क्या होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, उसके बाद आप इसे किस रूप में, किस तरीके से इसे देखते हो, उसका देखने का नज़रिया क्या है, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे प्रॉफिट निकाला जाता है, ईच एंड